हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी के साथ कॉलिंग स्कूल बैग्स का हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे जो है बैग्स मंगवाए हैं। अगर आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अगर आप नर्सरी के जी 1 के जी 2 फर्स्ट से 10th तक भी है, तब भी आप ये वाले जो बैग्स है उनको ट्राई कर सकते हैं। क्वालिटी और सारा कुछ जो है मैं आपको बिल्कुल से ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, मुझे कौन सा बैग कैसा लगा। कोशिश करिए कि मैंने हर तरीके के स्टाइल जो है पिक किए हैं। मोस्टली जो अब चलते हैं, ट्रेंड में है, अंडर 500 में है वही वाले, ठीक है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज का हॉल वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज का फर्स्ट बैग सबसे पहले जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये थोड़ा सा ब्लू कलर में है, शरदई ब्लू जो आता है उस कलर में। इसका जो स्टाइल है वो मुझे अच्छा लगा। सबसे ऊपर जिस तरीके से ऐसी क्रॉस आपको जिप दी गई है, छोटी मोटी बच्चों का स्टफ होता है वो रखने के लिए। उसके बाद आपको इसमें ये थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, इसमें भी आप अपनी नोटबुक्स या फिर अपनी जो होमवर्क डायरी होती है बच्चों की वो रख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको एक बड़ी यहाँ पे जो बिग वाला पार्टीशन होता है उसकी जिप है ये वाली। इसमें जो है आप बहुत सारी बच्चों की नोटबुक्स बुक्स डाल सकते हो। और इसको देखो, यहाँ पर आप इस तरीके से डिवाइड करके भी रख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो बैग है अंदर से पूरा ही वाटरप्रूफ है, मतलब जैसे अभी रेनी है तो ऐसा नहीं है कि बच्चों की चीजें गिली हो जाएगी। इसके बेल्ट भी काफी ज्यादा सॉलिड है और ये वाटर बॉटल के लिए है, अगर हम बच्चों को वाटर बॉटल इसी में देते हैं, अदरवाइज साइज काफी स्पेशियस है, स्टाइलिश भी है। अगर आप स्कूल जाते हो या कॉलेज, दोनों तरफ से इसको ट्राई कर सकते हो। तो ये है आज का फर्स्ट स्कूल एंड कॉलेज बैग, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ देख लेंगे आज का सेकेंड स्कूल बैग। ये बैग कि मुझे खासियत ये लगी कि इसमें जो जिप है वो हमें काफी ज्यादा दिए गए हैं। हमें इसमें 4 दी गई है जिप। सबसे पहले तो ये दी गई है यहाँ पर, जो कि छोटी सी है जिस और उसके अंदर भी है। वाओ, मतलब ये एक जिप है, उसके अंदर और एक जिप है, ठीक है। तो ये जो एक चोर जिप होती है, जैसे कि हमारे स्कूल बैग्स में होती है, तो भाई हम तो अपने मतलब लंच ब्रेक के लिए जो पैसे वैसे लेके जाते थे वो रखते थे, या फिर वो वाले अच्छे वाले पेन्स हम रखते थे जिसको हम अपने एग्जाम डेज के लिए या फिर स्पेशल दिन के लिए रखते थे, या फिर मैम मांगेगी तो मैं अपना पेन दूंगी वाला हमारे टाइम पे चलता था वैसा कुछ, है ना। तो वो वैसी वाली जिप है उसमें ये वाला। और उसके बाद देखो, ये एक बड़ी है जिसमें आप अपनी काफी सारी नोटबुक्स रख सकते हो। उसके बाद बच्चों की बुक्स के लिए एक ये वाला हमें मिल जाता है, जो बहुत ज्यादा मतलब बड़ा है ये वाला साइज। मुझे ये बैग ज्यादा अच्छा लगा, मैं अल्तमश से पूछूंगी अगर वो रख ले तो। उसके बाद देखो, उसके पीछे हमें 4th वाला भी मिल जाता है, जिसमें एक ये वाला छोटा सा एक और दिया हुआ है, जैसे स्कूल की जो होमवर्क नोटरल डायरी वगैरह होती है, या फिर अगर कॉलेज जाते हो तो देखो पीरियड के हिसाब से बुक्स लेके जानी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी काफी अच्छा है, मजबूत है। मुझे इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी, मतलब इसमें काफी अच्छी स्पेस काफी अच्छी है, तो मुझे ये स्पेशियस लगा। बेल्ट भी आप देख सकते हो काफी अच्छे ब्रॉड है, कलर भी अच्छे हैं और कलर ऑप्शन भी इसमें काफी अच्छे अच्छे हैं, तो ये मस्ट बाय है। मुझे इसकी क्वालिटी सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मतलब बच्चों के पास स्टफ बहुत ज्यादा हो जाता है आजकल बच्चे मतलब KG 1 KG 2 में तो फिर भी ठीक है, मेरा ख्याल है फर्स्ट से आपका बच्चा 4th, 5th, 6th, 8th, 7th, 8th, 10th तक जो भी है, मतलब सबका मुझे लगता है बुक्स वगैरह तो सेम होती है, वजन बच्चों का बिल्कुल बैग का सेम हो जाता है, तो बिल्कुल भी जो है आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा ये वाला स्कूल बैग, मस्ट बाय है। इसका भी आपको बाय लिंक बाय कोड मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन। नाउ देख लेंगे आज का थर्ड स्कूल बैग, और ये ब्लैक एंड सिल्वर कलर का है। दिखने में इतना ज्यादा क्यूट है, ब्यूटीफुल है। इसमें जो हमें जिप्स दी गई है, जैसे ये वाली अगर काउंट करें तो 4 है, अदरवाइज ये कोई काम की नहीं है, ये और ये पकड़ के 3 है, ठीक है। तो ये एकदम छोटी सी है, मुझे लगता है ये बिल्कुल से यूजलेस है, अगर बच्चों का कोई आई कार्ड वगैरह है या ऐसी कोई चीज है बस वही आ पाएगी, अदरवाइज उसके बाद ये है काम की। और इसके अंदर हमें कोई, उसके बाद आ जाएगी ये वाली, इसमें नोटबुक्स आ सकती है और इस वाली में सारी ही बुक्स आ जाएगी। तो ये वाला जो बैग है ना, हाँ, इसके अंदर एक है हमको यहाँ पर दिया गया है पार्टीशन, ठीक है। तो ये वाला भी स्पेशियस है, बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है, बस स्पेशियस है। इस वाले बैग के जो शोल्डर ये बेल्ट्स है ये भी काफी अच्छे हैं, सॉलिड है, मतलब क्वालिटी वाइज अगर देखो तो बिल्कुल सॉलिड है, स्पेशियस देखो तो ठीक है, मतलब स्कूल में बच्चा जाता है तो बहुत इजीली आप इसको यूज कर सकते हो, कॉलेज में तो बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर आप 8th, 9th, 10th के हो और आपका बुक्स जो नोटबुक्स है बहुत ज्यादा ही होती है, तो फिर मुझे लगता है आप ये वाला मत लीजिए, इससे पहले वाला आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये है आज का थर्ड वन, और स्कूल के बच्चों के लिए बेस्ट है, साइज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग लाइट वेट है और क्वालिटी काफी अच्छी है। नाउ देख लेंगे आज का नेक्स्ट स्कूल बैग, जो कि अल्तमश को बहुत पसंद आ गया है, इसलिए नहीं कि मतलब
इसमें कुछ अलग कुछ लगा हुआ है ऐसा नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ एडिडास लिखा हुआ है इस वजह से। हालांकि एडिडास का तो नहीं है, लेकिन बस लिखा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस वाले बैग में आपको यहाँ पर एक जिप मिल जाती है, अंदर से सारे ही बैग्स वाटरप्रूफ है। इसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी, मतलब काफी क्लासी लुक दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमको इसमें एक जिप मिल जाती है, ठीक है, और अंदर कुछ नहीं है, बस सिंपल एक जिप है। उसके बाद हमको मिलती है इसमें एक और जिप। वाओ, इसमें हमको बड़ी बड़ी पता है 3 और ये वाली 4। ये भी काफी स्पेशियस बैग है। सीरियसली मुझे लगता है अल्तमस ने ये सब देख के ही डिसाइड किया कि मुझे ये बैग चल जाएगा। और उसके बाद देखो पीछे ये भी आपको मिल जाती है, जैसे सेकेंड बैग में मिली थी। यहाँ पर भी आपको पार्टीशन मिल जाता है, अंदर से पूरा ही वाटरप्रूफ है, क्वालिटी काफी अच्छी है। और इसके जो शोल्डर बेल्ट्स है ये भी काफी सॉलिड है। नहीं, ये बैग वाकई अच्छा है। तो अगर आपके पास आपको है कि मुझे बिल्कुल सॉलिड चाहिए, दिखने में अच्छा चाहिए, लुक वाइज भी चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, तो आप इस बैग के साथ जा सकते हो। अल्तमस की चॉइस अच्छी है। नाउ देख लेंगे आज का नेक्स्ट बैग। और ये बैग जो है, मैंने ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन मुझे काफी ज्यादा आया है। हालांकि मैंने ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड रेड ऐसे मंगाए थे, लेकिन कई बार कलर ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आप मंगा तो लेते हो लेकिन आपको रिसीव हो जाते हैं लाइक। तो मुझे येलो वाले जो जिप वगैरह लगी हुई, ऐसे काफी सारे बैग रिसीव हुए हैं। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ दी गई है 2 पार्टीशन, कुछ भी ज्यादा नहीं है। सबसे पहला ये है, इसकी अंदर एक छोटा सा पार्टीशन आपको यहाँ पे 2 दिए गए हैं, पेन्स वगैरह ये वो रखने के लिए। ये पहला हो गया। और उसके बाद बस आपको ये दूसरा वाला, इसके जिप जो है ना काफी अच्छी स्मूथ है एकदम। और अंदर आपको यहाँ पे जो है इसमें पार्टीशन दिया गया है बस। और ये वाला जो पार्टीशन है काफी बड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल बच्चों के लिए अगर KG1 KG2 नर्सरी में बच्चा है देन ओके साइज वाइज। कॉलेज वाले बच्चों के लिए मुझे लगता है उनके लिए भी ओके, क्योंकि उनके पास भी कम स्टफ होता है। स्कूल बच्चों के लिए ये वाला बैग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। सॉलिड है, काफी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन स्पेशियस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्पेशियस बैग नहीं चाहिए, ठीक ठीक चाहिए, क्वालिटी वाइज अच्छा चाहिए, लुक वाइज चाहिए, तो फिर आप इसके साथ जा सकते हैं। अदरवाइज जैसे अल्तमस स्कूल जाता है, तो मुझे उसके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। नाउ देख लेंगे आज का नेक्स्ट बैग। और ये है ब्लैक एंड ग्रे कलर का। इसमें भी काफी अच्छे देखो हमें पार्टीशंस दिए हुए हैं, टोटल 4-5 है इसमें, तो वाओ। तो ये सबसे पहले आपको एक छोटा सा दिया गया है, तो ये छोटा सा यहाँ पर इसमें कुछ भी आप रख सकते हैं। उसके बाद है ये वाला एक और, जिप थोड़ी सी टाइट है इसकी, मैं भी अभी तक ओपन नहीं किया इसलिए। अंदर से भी इसमें पार्टीशंस है। यहाँ के देखो जो 2 है ना, ये और ये बहुत ज्यादा स्पेशियस लग रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों के लिए एक में बुक्स आ जाती है, एक में नोटबुक्स आती है, तो थोड़े बड़ी वाली जगह वाले बैग्स चाहिए। उसके बाद ये है लास्ट वाला, मैंने भी ये बैग्स अभी तक देखे नहीं थे। वाह, यहाँ पे भी पार्टीशन है। तो ये बैग स्कूल बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्पेशियस चाह रही है, कुछ सॉलिड अच्छा वाला चाह रही है, तो इस बैग के साथ जा सकती है। ये भी देखो काफी सॉफ्ट है, अंदर से भी देखो काफी ज्यादा सॉफ्ट है और सॉलिड है, ठीक है, ये खराब होने वाला नहीं है। तो ये बैग की क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, स्टाइल वाइज लुक वाइज भी बहुत प्यारा है। नाउ देखेंगे आज का नेक्स्ट बैग। ये भी हमें ब्लैक एंड येलो मिला है। हर बैग्स में ना किसी में जिप येलो है, किसी में डिजाइन येलो है, मतलब लेकिन अलग अलग बैग्स है ये। तो इसमें हमें टोटल पार्टीशन दिए गए हैं 3। ये बैग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपका बच्चा KG1 KG2 के है देन ओके, अगर वो थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में है तो फिर स्पेशियस तो है ये बैग, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है। और अगर आप कॉलेज जाते हो, यू नो जिस मैंने बताया, उनके लिए भी ये ठीक है। तो ये बैग में आपको मिल जाते हैं टोटल 3 पार्टीशंस, स्पेशियस है, बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है, ठीक है। तो ये भी ठीक ठीक है, सॉलिड है, क्वालिटी सारे ही बैग्स की काफी अच्छी है, ठीक है। अगर हम डाल लेते हैं, सारी बुक्स हैंग कर लेते हैं, तो टूट जाए निकल जाए ऐसे तो नहीं है। तो ये बैग भी मुझे ठीक लगा है, उसका भी बाइक कोड है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो गाइज, आज मैंने जितने भी कॉलेज बैग, स्कूल बैग्स आपके साथ शेयर किए हैं, उनके बारे में बिल्कुल से सही से बता दिया कि किसमें कितनी जगह है, कौन सा स्पेशियस है, कौन सा नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको रिव्यू दिया, उसके अकॉर्डिंग जाके जो है ये वाले बैग्स बाय कर सकते हो। और जब आप बैग्स लेंगे, तो आप स्क्रॉल करना, आप देखना कि कौन से बैग में कितनी जिप आपको दी गई है, ठीक है। तो कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है मेरा काफी अच्छा लंच बॉक्स पे, टिफिन बॉक्स पे जो है वीडियो आने वाला है, जो कि ऑफिस अगर आप जाते हो या फिर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, सबके काम आने वाला है। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा वो वाला वीडियो भी। इस वीडियो को लाइक करें, माने बैशन को सब्सक्राइब कर ले, और बहुत जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।